कि हमें अच्छी सुदीर्घ जीवन वाली तेजस्वी जीवन वाली संतान चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, मुलगी हो या मूला, संतान तेजस्वी तपस्वी चाहिए। तो एक नियोजन जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो पति और पत्नी है वो आपस में जब संसर्ग करें तो पत्नी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद, या पत्नी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से 10 दिन छोड़कर, और 17 दिन के पहले या 18 दिन के पहले, बीच का ये 7-8 दिन का जो समय है, इसी समय में एक दूसरे के साथ संपर्क करें तो सबसे ज्यादा तेजस्वी और तपस्वी संतान होगी। पत्नी के मासिक धर्म के शुरू होने वाले दिन को गिनकर 10वें दिन से 18वें दिन के बीच का जो समय है, यही सबसे अच्छा समय है तेजस्वी और तपस्वी संतान का, वही 7-8 दिन का समय। अब इसमें दो तरह के दिन आएंगे, एक सम होंगे, एक विषम होंगे। जैसे 10वां दिन सम, 11वां विषम, 12वां सम, 13वां विषम, 14वां सम, 15वां विषम, 16वां सम, 17वां विषम, 18वां सम। तो जो सम दिन है उनमें अगर आप संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्र होगा, और विषम वाले दिन में संसर्ग करेंगे तो 99% पुत्री होगी। 1% इसमें अपवाद है और वो कहीं भी होता है। तो अगर आपको नियोजन करना है कैसा, अब व्यसन मुक्त युवक संघ में कुछ कार्यकर्ताओं के पास पुत्री है तो पुत्र चाहिए, तो उनके लिए ये माहिती मैं देगा, और जिनके पास पुत्र है उनको पुत्री चाहिए उनके लिए भी ये माहिती देगा। सम दिन में जाएंगे तो पुत्र, विषम दिन में जाएंगे तो पुत्र। और एक और माहिती इसी नियोजन के लिए, आप जानते हैं महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा, तो जो शुक्ल पक्ष है इस शुक्ल पक्ष के दिनों में अगर आप संसर्ग के लिए जाते हैं तो 99% आपके बेटे या बेटी का जन्म जो होने वाला है वो बहुत प्रतापी, तेजस्वी, लड़ने वाला, भिड़ने वाला है। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे जो हमारे देश में भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब शुक्ल पक्ष वाले लोग हैं। शुक्ल पक्ष आप समझते हैं जब चंद्रमा लगातार बढ़ता हुआ होता है, और कृष्ण पक्ष उसका उल्टा। कृष्ण पक्ष में जब आप जाएंगे तो अच्छे से अच्छे साहित्यकार, वैज्ञानिक, बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे बच्चों का जन्म होगा। न्यूटन, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र खुराना, हमारे देश के बोस, हमारे देश के ये जो महान लोग साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ये सब कृष्ण पक्ष वाले लोग हैं। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्कर क्या है? ये चक्कर है चंद्रमा के शरीर पर पड़ने वाली ऊर्जा। आप जानते हैं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं होता और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत तीव्र होता है। चंद्रमा की तीव्रता अपनी नहीं है, आपको मालूम है चंद्रमा का प्रकाश कहां से आया? सूर्य से। तो चंद्रमा की तीव्रता है तो वो उसकी अपनी नहीं है, सूर्य की तीव्रता है। तो आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष में सूर्य की तीव्रता है, तो उस दिन में जो संतान आएगी वो सूर्य जैसी ही होने वाली है। सूर्य कैसा है? जला के सबको राख कर दे, ऐसा। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाज, शंभाजी महाराज, ये सब ऐसे ही लोग हैं जो शुक्ल पक्ष वाले। और आपको चंद्र पक्ष में, चंद्र पक्ष माने सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश है, तो उस समय के नियोजन में जो संतान होगी वो दिमाग वाली होगी, शरीर वाली, जिसका ब्रेन बहुत चलेगा।
इंटेलिजेंसी उसकी कंप्यूटर से जैसी, उससे भी ज्यादा तेज हो। दुनिया में सारे दिमाग के काम करने वाले लोग चंद्र पक्ष के पैदा हुए, और शरीर से लड़ भिड़कर साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग शुक्ल पक्ष के पैदा हुए। तो नियोजन आपको करना है, माहिती में देना। तो आप तय करिए आपके जीवन में क्या चाहिए। अब एक संतान आपके पास है, मान लो शुक्ल पक्ष वाली, तो एक चंद्र पक्ष वाली जरूर करना, क्योंकि दुनिया में दोनों की जरूरत है। खाली लड़ने भिड़ने वाला ही नहीं चाहिए, विज्ञान की खोज करने वाला भी चाहिए, क्योंकि दोनों से जीवन चलता है। शत्रु से रक्षा करने के लिए है और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी है। तो एक संतान शुक्ल पक्ष की, एक चंद्र पक्ष की, ऐसा नियोजन करिए। एक संतान सम तारीख वाली, दूसरी विषम तारीख वाली, ऐसा नियोजन करिए। और बाकी के शुरू के नियम जितने मैंने बताए हैं वो सबको एक साथ पालन करना, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वो इतने बारीक हैं कि मैं बताऊंगा आपके दिमाग में जाएंगे। अभी जितना बताया है इतने पर आप प्रयास शुरू करें, उसके बाद बारीक नियम अगर जानना है तो एक पुस्तक मैंने लिखी है। भागवत जी के सूत्र पर तीन पुस्तकें मैंने लिखी है, स्वदेशी चिकित्सा, भागवत, अष्टांग हृदय के आधार पर भाग 1, 2, 3। बारीक बातें हैं उनसे पढ़ सकते हैं, मोटी जितनी बात है वो मैंने आपको बताया। तो ठीक है, मैंने कुछ माहिती दी है, आपके समझ में आई है कुछ तो बहुत अच्छा। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपकी संतान अच्छी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, तो खान पान में जितने नियम बताए हैं एक बराबर याद रखना। लोनी और खड़ी शक्कर ये रोज खाना। लोनी आप समझते ही हैं, खड़ी शक्कर आपको मानती है। लोनी और खड़ी शक्कर रोज खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को। जी जी